गोपी जहां भी हो मेरे पास आ जाए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है, कोई मोबाइल वायरलेस कर दिया था क्या? पार्वती जी ने कहा, नहीं, वो सर्वज्ञ, हमसे कुछ छिपा नहीं। शिव जी ने वहीं से हाथ हिलाया, अभी नहीं आने वाला, पहले अपना रास दिखाओ। ठाकुर जी ने कहा, मेरे पास आओ तो बताऊं। पास में पार्वती जी ने भेजा, शिव जी के उस गोपी रूप के घूंघट के अंदर ठाकुर जी ने अपना चरण पधराया। मस्तक में शिव जी ने भगवान कृष्ण के चरणोदक को अपने मुख में लिया। कन्हैया ने कहा, अब गूंगी गोपी यहां से चली जाए। शिव जी ने सिर हिलाया, बोले, बिना नाच देखे कोनी जाऊंगी। श्याम सुंदर कृष्ण प्रभु ने कहा, यदि मेरी बात आज मान लोगे तो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक प्रतिदिन आपके साथ रास होगा, और यदि मेरी बात नहीं मानते हो तो केवल आज ही रास लीला का दर्शन मिलेगा। शिव जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है भगवान, आपकी आज्ञा मानता हूँ। शिव जी वहां से निकल कर चले तो आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। दिन में महादेव के रूप में रहते हैं और सूर्यास्त होते ही सुंदर गोपी के रूप में सज धज जाते हैं, और मान्यता है कि भगवान कृष्ण शिव जी के साथ रास लीला करते हैं। वही भजन का आप लोग अनुभव करते हो ना, एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, पार्वती जी मना किहारी, बाबा के त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना किहारी, बाबा के त्रिपुरारी, गोकुल पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ नाना संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग। उस रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे, उस रास में, उस रास में। करेगी ब्रज की नारी, करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप
पे इस रूप के हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे इस रूप पे एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप पे इस रूप पे एक दिन तुम्हारे तुम्हारी बारी बबुल में आ गई है बबुल में आ गई है रूप बनाया तुम्हारी बारी बबुल आ गई है बबुल में आ गई है दिनों तक ये दिव्य रास चलता रहा। रास का अर्थ तात्पर्य समझने के लिए पहले रस का अर्थ हमें समझना पड़ेगा। रस शब्द से ही रास शब्द की उत्पत्ति होती है। तो रस शब्द का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आम का रस होता है, मौसमी का रस होता है, अनार का रस होता है, जूस बोलते हैं ना। एक ये भी रस है, फल के रस को भी रस बोलते हैं। अगर न्याय दर्शन में आप जाओ और नैयायिक से विद्वान से पूछो कि रस का क्या अर्थ है, तो न्याय दर्शन में 6 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। मधुर, अम्ल, लवण, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, सद विधम। 6 प्रकार का रस है, मधुर, अम्ल, लवण, नमक, कटु, तिक्त, कसाई के भेद से। लेकिन ये भागवत ग्रंथ क्या है? लौकिक ग्रंथ नहीं है कि इसको आप फल का जूस समझो। यहां पर रास में रस शब्द जो है उस रस का अर्थ हम फल का जूस नहीं समझेंगे, क्योंकि लौकिक ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भागवत, और न्याय दर्शन का नैयायिक ग्रंथ भी नहीं है कि इसका हम 6 प्रकार का रस अर्थ करें। ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम है। आगम निगम वेद वेदांत आरण्यक उपनिषद का ये सारभूत फल है। इसलिए वेद का ये सार होने के कारण हम वेद में जाएंगे कि रस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वेद में रस शब्द का अर्थ किया है रसो वैसा।
सह माने परमात्मा, वही माने निश्चित, रसह माने रस है। रस शब्द का अर्थ परमात्मा किया, ईश्वर किया। दूसरी जगह भी वेद में आता है, रसम ये वाय, रसम ये वायम लब्ध्वायानंदी भवति। रस स्वरूप ब्रह्म को पाने के बाद भी जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। कभी आपने अनुभव किया? किसको किसको भगवान ने दर्शन दिया, जरा हाथ उठाइए। किसी को नहीं? एक दो लोग उठा रहे हैं। कब हुआ दर्शन भगवान का जी? प्रत्येक व्यक्ति को भगवान दर्शन देते हैं, मिलते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि उस समय हम सोए रहते हैं। कभी आपने अनुभव किया? जब आप सोने के लिए जाते हो, उसके पहले आप काम करते करते इतने थक जाते हो, श्रांत हो जाते हो, कई बार तो निद्रा लगी हो तो आप भोजन भी छोड़ देते हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम भी करने को कहा जाए तो आप छोड़ देते हो और जहां मिलता है वहीं सो जाते हो, बस गाड़ी ट्रेन में भी सो लेते हो। सोने के बाद प्रातः काल उठते हो तो आपके अंदर कहां से क्षमता आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि आप कार्य करने में सक्षम हो जाते हो, आपके अंदर चैतन्यता आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। क्या रात्रि में चारपाई के ऊपर आप पड़े रहे इसलिए शक्ति आ गई क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो कई बार आपको जब निद्रा पूर्ण नहीं होती तो आप कहते हो आज दिमाग ठीक नहीं, आज मन ठीक नहीं, आज आलस्य हो रहा है, आज दिमाग डिस्टर्ब है, इसलिए हम ऑफिस दुकान नहीं जाएंगे। कहने का मतलब, जब हम रात्रि में शयन करते हैं तो हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, हम परमात्मा से मिलते हैं, क्योंकि दिन में हमारा पूरा जो चैतन्य है बहिर्मुख हो जाता है, हमारा जो चेतन है वो आंख से निकलकर जड़ पदार्थ को देखता है, कान से निकलकर जड़ पदार्थ को सुनता है, ये चेतन हमारा जीवा से निकलकर जड़ पदार्थ का अनुभव करता है, हाथ पैर आदि से जड़ पदार्थों का अनुभव करता है, और ये चेतन कितना बड़ा है, बहुत छोटा है। जैसे अग्नि के गोले से एक चिंगारी निकल जाए तो थोड़ी देर के बाद में वो चिंगारी राख बन जाती है, उससे अग्नि की सत्ता नष्ट हो जाती है। वही चिंगारी अगर आग के गोले के साथ बनी रहे तो उसके अंदर अग्नि की सत्ता बनी रहेगी। वैसे वह आनंद घन, चिद घन, ज्ञान घन ब्रह्म के हम लोग टुकड़े ही तो हैं, अंश ही तो हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा? ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम सब क्या हो? ममैवांसो, मेरे अंश हो, जीवभूता सनातना, जीव बनकर इस संसार में भटके हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन चेतन सहज अमल सुख राशि, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन हम अपने से जब जड़ पदार्थों का अनुभव करते हैं तो हम वो चिंगारी की राख बन जाते हैं, हमारे अंदर अनेक समस्याएं आ जाती हैं, अनेक प्रकार की हमारे अंदर भ्रांतियां आ जाती हैं, हम समस्याओं में घिर जाते हैं, जबकि हमारा स्वरूप क्या? चेतन अमल सहज सुख राशि हमारा स्वरूप है। जैसे चिंगारी को आग से जोड़ दो तो अग्नि बनी रहती है, वैसे हम अपने इस चेतन को भजन, ध्यान, स्तमन, पूजन, अर्चन के द्वारा जब परमात्मा से जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर भी वही चैतन्य, वही ज्ञान, वही आनंद, वही सुख, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सोते समय भगवान हमें सबको दर्शन देते हैं, क्योंकि सारी इंद्रियां जड़ पदार्थों से विराम ले लेती हैं। आंख से कोई देखता नहीं, कान से सुनता नहीं, हाथ से स्पर्श का ज्ञान रहता नहीं, दसों इंद्रियां मिलकर मन में स्थिर होती हैं, मन बुद्धि में स्थिर होता है, बुद्धि जीवात्मा में स्थिर होती है, और जीवात्मा परमात्मा से मिलता है,
उसी का नाम सुसुप्ति है, उसी का नाम प्रगाढ़ निद्रा है, इसी को वेदांत में अनुभव किया है। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिदहम अभेदिसम। क्या आनंद आया निद्रा में आज, कैसा था वो आनंद, क्या था वो, कुछ मालूम नहीं। प्रातः काल हम अनुभव करते हैं कि हमें निद्रा अच्छी हुई, तो निद्रा का मतलब हम परमात्मा से मिले। आज का विज्ञान भी यही मानता है, 5 घंटे भी अगर चारपाई में रहो तो 5-7 तरंगे उठती हैं, उसी तरंगे तरंगों का नाम निद्रा है। तरंग मतलब क्या, ये जीवात्मा परमात्मा को स्पर्श करता है और उस परमात्मा से इसको पूरी शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है और दूसरे दिन कार्य करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन ये अनुभव रात्रि में सोते समय होता है। अगर जागृत अवस्था में हमें ये अनुभव मिल जाए, ध्यान भजन आदि के समय हमें अनुभव मिल जाए, तो आप समझ लो कि जीवन का नक्शा ही बदल जाए। कितना भी आप कार्य करो, कितना भी आपका मन यत्र तत्र जगत अगर यत्र तत्र चला गया, तो हम भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए हम प्रायः कहा करते हैं कि आप अपने ऑफिस दुकान फैक्ट्री के काम को घर में मत लाओ, वहीं छोड़ कर आओ। और अगर लाते भी हो तो एक निश्चित समय रखो, जब भोजन के लिए बैठो तब आप अपने ऑफिस के काम की चिंता मत करो, नहीं भोजन ठीक नहीं होगा। निश्चिंत होकर भोजन करोगे तो उसका रस बनेगा, शरीर में लगेगा। भजन करने के लिए जाओ तो भी अपने काम को दरवाजे से बाहर रखते जाओ, सोते समय शयन कक्ष में जाओ तो भी अपने ऑफिस दुकान फैक्ट्री का काम दरवाजे से बाहर रख दो, फिर निश्चिंत होकर के शयन करो, देखो आपका जीवन कैसे आनंदमय होता है। बात आपको हम बता रहे थे, रस शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और उस ब्रह्म का रास पंचाध्यायी में हर प्रकार से गोपियों ने अनुभव किया, इसी का नाम रास है। लस्यते लस्यते आस्वाद्यते इति रासः, जिस क्रीड़ा जिस लीला के माध्यम से ब्रह्म का पूर्ण अनुभव मिले, उसी का नाम रास है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। ये जो वेद की श्रुतियां थी, स्तुति करते करते थक गई लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाई थी, इन सबने प्रार्थना किया तो वेद की श्रुतियां ही गोपी बनकर के आई हैं। रामावतार में जिन ऋषियों ने प्रभु को पति रूप में चाहा, जिन लताओं ने, जिन वृक्षों ने, स्वर्ण की बनी जानकी देवी ने भी, इन सब की कामना आज ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार में पूर्ण की है। रास पंचाध्यायी सुनने का फल भी कितना सुंदर बताया कि विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुसृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमस्वपिहिनोत्यचिरेण धीरः। जो श्रद्धा भक्ति से रास पंचाध्यायी का श्रवण करता है, उस व्यक्ति के हृदय के जो रोग हैं, शत्रु हैं, काम क्रोध मोह आदि, ये सारे शत्रु नष्ट होते हैं। प्राप्ति क्या होती है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, भगवान के श्री चरणों में पराभक्ति, निष्ठ की भक्ति, आनंदमयी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही रास पंचाध्यायी का फल बताया गया है। कई लोग राधा रानी के बारे में प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रेम किया, प्रीति किया, लेकिन विवाह क्यों नहीं किया, विवाह तो रुक्मणी जी के साथ किया, ऐसा क्यों किया प्रभु। प्रीति प्रेम जब राधा रानी के साथ इतना विलक्षण, तो विवाह भी होना चाहिए। तो देखिए बंधुआ, इसका रहस्य है कि राधा रानी अलग कोई तत्व ही नहीं है। एक बार श्याम सुंदर कृष्ण को इतना सुंदर सजाया मैया यशोदा ने कि ठाकुर जी अपने को दर्पण में देखकर इतने गदगद, इतने प्रसन्न, इतने आह्लादित, इतने प्रफुल्लित हुए, सोचते हैं मेरा जैसा कोई और होता तो उसके साथ में क्रीड़ा करता, लीला करता, विहार करता, अब ठाकुर जी जैसा कोई है ही नहीं संसार में, ब्रह्मांड में, तो लाएंगे कहां से। सोचते सोचते श्री कृष्ण के
श्री कृष्ण के ही शरीर से एक दिव्य रूप